हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% कैसे लाएं। जो आपके दिन बीत गए उसको भूल जाइए। अब हम केवल बात करेंगे कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम तक आप बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% कैसे लाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वीडियो की, कुछ कोटेशन के साथ करेंगे कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए, आपको टॉप करने के लिए करना क्या पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना ही पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी कमियों को दूर कर लें, ठीक है। आपकी जो कुछ कमी है, जिसको आप अपनी आदत बना ली हो, उसको आज से ही दूर कर दो। ज़्यादा आलस्य करना, इसको आपको दूर कर लेना है। पढ़ाई को अपनी बोझ समझना, नींद आना पढ़ाई करते समय, ठीक है। गलत फालतू की बात सोचना, याद करने का बार बार कोशिश न करना। आपको याद करने की बार बार कोशिश करना है, क्यों नहीं याद होगा। एक टॉपर भी आप ही जैसा है, जो वो बार बार कोशिश करता है तब चीज़ों को याद हो करता है। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कब पढ़ें, किस टाइम टेबल से पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक सेकेंड इस वीडियो के आपके लिए काम कामयाब है, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ। आपके अंदर बहुत ताकत हो, ठीक है, आप क्यों उस ताकत को पहचान लो और अपने अंदर की ज्वाला को जगा लो, फिर कोई काम क्यों नहीं हो सकता। अरे, अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए एक पल सोचो, जो आपके लिए रातों दिन एक कर आपकी ज़रूरतों की चीज़ें देते हैं, ठीक है, उनके लिए एक पल आप सोचो। तुम कर सकते हो लेकिन अभी शुरू ही नहीं किए हो, आप कर सकते हो लेकिन शुरू अभी नहीं किए हो। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपको इस वीडियो में मैं टोटल 6 टॉपिक बताऊंगा, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आपका 95% रखा हुआ है। आपको क्या करना है कि सुबह में ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ये आपका, ये आप जिद कर लीजिए कि मुझे सुबह पढ़ना ही पढ़ना है, और सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे जब आप उठते हैं तो 6 बजे तक आप पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई में आप ज़रूर ब्रेक ले लिया करिए, अगर आपका जो भी मन करता हो थोड़ा मोड़ा वो आप ज़रूर किया करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ब्रेक लेते हो ना तो आपको रेस्ट मिलता है, तो आपका जो माइंड होता है वो थकता नहीं है जल्दी, ठीक है। और शाम में आप 7 से 10 बजे तक पढ़ना है। अगर आप बीच की टाइम में स्कूल जाते हो तो शाम को आप आइए, तो 7 से 10 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर सुबह आप पढ़ते हो तो सुबह में लघु उत्तरी, अतुलघु उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्न टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, और शाम में जो होते हैं वो मैथ के क्वेश्चन हल करने हैं, न्यूमेरिकल हल करने हैं, डेरिवेशन हल करने हैं। अगर और समय मिलता है आपको, अगर इसके अलावा, तो उसे आप सेल्फ स्टडी में लगा दें। दिन में जैसे आपको थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो टॉपर होता है ना, वो टॉपर क्या करता है कि अपना एक नोट्स बनाता है, ठीक है। तो आप टॉप क्यों नहीं कर, जो भी टॉपर बनेगा आप में ही से कोई ना कोई टॉपर बनेगा, ठीक है। वो सेम बुक पढ़ेगा, अगर आप एनसीईआरटी की सिलेबस पढ़ रहे तो वो भी एनसीईआरटी की सिलेबस पढ़ेगी, आप जिस क्वेश्चन को पढ़ते हो वो भी आपके क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन को पढ़ेगा। अब जैसा टीचर आपके हो वैसा टीचर उसके भी है, तो फिर आप 2022 के टॉपर क्यों नहीं, ठीक है। जब बताइए, एक लकड़हारा के पुत्र जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो 2022 के टॉपर आप क्यों नहीं बन सकते। अब देखिए, टॉपर करते क्या हैं, नोट्स बनाए, ठीक है। आप अपना एक ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से लिखिए, और उसमें चीज़ें क्या लिखना आपको, फार्मूला जो बेस्ट फार्मूला लगता है उसको लिख लीजिए, 60 टाइप के क्वेश्चन जो आप याद किए उसको लिख लीजिए, डेरिवेशन को लिख लीजिए, आप उसमें न्यूमेरिकल जो लगता है कि ये बार बार पूछा गया है न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को लिखना है, और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बोर्ड एग्जाम में बार बार करते हैं वो न्यूमेरिकल, तो उस चीज़ को आप तैयार कर लेना है, और चीज़ों को आपको समझ लेना है कि जो आपका सिलेबस वो किस तरह से स्कूल में चल रहा है, अवकल समीकरण और
आपकी कोचिंग में चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग, आप पाठ एक पढ़ रहे हो, तो देखिए इन दोनों को भी साथ लेकर चलना है, ठीक है। इसको भी साथ लेना है और इसको भी साथ लेना है। अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो आप न घर के होगे न घाट के, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। देखिए रिकॉर्ड वही इंसान तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, मुझे 90 से 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप जब आप लक्ष्य बनाओगे तभी आप अपने कार्य उसके अनुरूप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अगर आप किसी बस को चलाकर छोड़ देते हो बिना ड्राइवर का, तो वो कितनी दूर तक जा सकता है, कुछ दूर जाएगा और कहीं ना कहीं वो लड़ जाएगा। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वह जो डरा नहीं। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है कि आपको मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करना ही करना है, वो भी 5 साल पुराने के प्रश्न पत्र को, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर के आते हैं क्वेश्चन, और समय की प्रबंध आपको समय मैनेज करने का भी आदत बन जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना समय दे कि हमारा 3 घंटे 15 मिनट में मैनेज हो जाए, किस प्रश्न पत्र पर कितना समय देना है। आपके डर भी कम हो जाएंगे क्योंकि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिए हो, आपके तनाव भी कम हो जाएंगे क्योंकि आपको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी लिखावट भी अच्छा हो जाएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है कि लिख लिख कर याद करने की कोशिश करना। आपको जो भी आप पढ़ते हो आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आप याद करें उसको लिख लिख कर याद करें। इससे फ़ायदा देखिए क्या होगा कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, आपकी लेखनी भी सुधर जाएगी और बोर्ड परीक्षा में प्लस पॉइंट है, ठीक है। जो लेखनी सुधरेगी तो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्लस पॉइंट है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है और अंतिम नंबर है वह है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना। देखिए रिकॉर्ड वही इंसान तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को आपकी चाहत नहीं उसकी जरूरत बना लेंगे, उस दिन आप जरूर सक्सेस होगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाई को चाहत नहीं जरूरत बना लेना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना। आपको देखिए एनसीईआरटी के सिलेबस को ही पढ़ना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आपको इसको ही पढ़ना है और फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। कभी कभी आप कुछ दूसरी चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं जो आपके पता चलता है कि ये सिलेबस में इस बार नहीं है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। सिलेबस को अच्छी तरह से जांच लेना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है अंतिम कि अपना विद्यालय आप जो देख रहे हैं परिवार, वर्ष 2022 बोर्ड परीक्षा में आपके शानदार सफलता की कामना करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।